सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं काफ़ी सारे साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। तो अगर आप एक बिगिनर हो या फिर ऑलरेडी इस फील्ड में हो तो ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू आई स्टार्ट इन साइबर सिक्योरिटी? तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, जस्ट स्टार्ट। इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी और इंस्टेड ऑफ आस्किंग एनी वन हाउ डू आई स्टार्ट, या स्टार्ट कहाँ से करें, जाओ और स्टार्ट करो। There are tons of resources available on the internet. Go and search about it. Go and read from there. जहाँ से भी knowledge मिले उठा लो। So just start instead of asking where do I start from. Next question is, how do I learn hacking? So the simple answer is, अगर आप एक doctor के पास जाओ and you ask how did you become a doctor, तो answer काफ़ी different मिलेगा अलग अलग doctors के लिए। सबका अपना experience अलग होगा, सबका situation अलग होगा। सेम थिंग गोज फॉर साइबर सिक्योरिटी। सबका अपना अपना अलग जर्नी होता है साइबर सिक्योरिटी में। जो मेरा जर्नी है वो आपका नहीं होगा। सो इट्स टोटली डिफरेंट फॉर everyone. सो जस्ट स्टार्ट, कीप लर्निंग एंड यू विल फाइंड द वे आउट। कीप लर्निंग एंड यू विल फिगर आउट थिंग्स। तो डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें मैंने सब कुछ शेयर किया है, हाउ टू लर्न हैकिंग स्टेप बाय स्टेप। सो यू कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर। मैंने काफ़ी सारे रिसोर्सेज शेयर किए हैं फ्रॉम विच यू कैन स्टार्ट लर्निंग। और उसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैंशन किया, बुक से लेके प्रोग्रामिंग तक सब कुछ है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में, गो एंड रीड दैट आर्टिकल, इट्स वेरी हेल्पफुल एंड आई हाईली रिकमेंड यू टू फॉलो इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम इन स्कूल और कॉलेज, हाउ डू आई बिकम अ हैकर? तो भाई फ़र्क नहीं पड़ता वॉट योर एज इज, या फिर इफ़ यू आर इन स्कूल, कॉलेज और ऑलरेडी इन अ जॉब, देर इज़ नो स्पेशल पाथ फॉर यू, देर इज़ नथिंग स्पेशल। जाओ और सीखो। There is nothing different if you are in school and you want to learn hacking. Same चीज़ करना होगा, you have to learn, you have to clear your fundamentals like networking, Linux and all that. And later you will also have to solve a lot of CTFs to get better. And that's how it works. तो जाओ और सीखो। There is no special path if you are in college or school or anything. Next question is programming important for cyber security? If yes, then what are the programming languages I should learn first? तो सिंपल आंसर ये है कि yes, programming is important for cyber security, but आप अगर beginner हो तो ज़रूरी नहीं है आपको programming पहले learn करना होगा या starting में programming सीखना होगा। आप बाद में भी पढ़ सकते हो programming, जैसा मैंने किया। starting में सभी लोग script kiddies होते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग ज़रूर सीखना, बिकॉज दैट विल इम्प्रूव योर स्किल्स एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर। और आप ऑटोमेट कर सकते हो काफ़ी सारे अटैक्स और खुद के भी टूल्स बना सकते हो। इसके बारे में भी मैंने अपना आर्टिकल में लिखा है, सब कुछ दिया हुआ है, जाओ और आर्टिकल पढ़ो। नाउ कमिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो भाई अब काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि वॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड आई लर्न, इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अब आंसर सिंपल है, अगर आप ये सोचोगे कि ये भी करना है या वो भी करना है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो ये आपको सिंपल चीज़ें कंफ्यूज करेगा और डराएगा। सो जस्ट पिक वन लैंग्वेज अप एंड स्टार्ट लर्निंग। अब मैं क्या रिकमेंड करूँगा, आप लोग ये कर सकते हो कि यू कैन स्टार्ट विथ सी प्रोग्रामिंग, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी प्रोग्राम से ही बने हैं। तो सी प्रोग्रामिंग मैंने सीखा था, उसके लिए भी मैंने बुक्स के बारे में बोला आर्टिकल में। तो यू कैन लर्न सी प्रोग्रामिंग और उसके बाद आप पाइथन या कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। लैंग्वेज टोटली डिपेंड करता है आपको करना क्या है हैकिंग में। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बग बाउंटी या वेब हैकिंग, तो ऑब्वियसली यू विल पिक अ वेब रिलेटेड लैंग्वेज लाइक जावा और जावा स्क्रिप्ट। तो आंसर काफ़ी सिंपल है, बट इफ़ यू नीड अ सिंपल आंसर, आई वुड से पाइथन इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, क्योंकि पाइथन ईजी भी है, बहुत डिमांडेड भी है और काफ़ी अच्छा लैंग्वेज है। और इससे आप खुद के टूल्स भी बना सकते हो और ऑटोमेशन में भी काफ़ी यूजफुल है। तो पाइथन सीखने के लिए भी काफ़ी सारे ऑनलाइन फ्री कोर्सेज है। तो एक न्यू बॉस्टन चैनल भी है, काफ़ी अच्छा है, न्यूरल 9 बोल के भी एक चैनल है, वो काफ़ी सारे पाइथन में इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं। बहुत सारे चैनल्स है और मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे बुक्स भी शेयर किए अपने आर्टिकल में, तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर हैकिंग। अब मैं अगर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो इंस्टीट्यूट्स के जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही बेसिक होते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे जनरली नहीं रिकमेंड करूँगा दैट यू ज्वाइन ए इंस्टीट्यूट इन योर सिटी।
और अब सिंपल सा चीज़ है, ये टोटली डिपेंड करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स अच्छे भी होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स ख़राब भी होते हैं, बट मोस्टली सारे इंस्टीट्यूट्स में जो कोर्सेज होते हैं दोज आर वेरी बेसिक। अगर आपके पास जीरो नॉलेज है, इफ़ यू हैव मनी एंड इफ़ यू नीड अ स्टार्ट, यू कैन गो फॉर अ इंस्टीट्यूट, ये आपका पर्सनल चॉइस है। बट मैं सजेस्ट करूँगा इंटरनेट पे जाओ, काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ पे आप सीख सकते हो, और आर्टिकल में जाओ, उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया है। अब एक क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं कि हाउ मच कैन आई अर्न एज अ एथिकल हैकर। अब आंसर बहुत ही सिंपल है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, योर स्किल्स, योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस, द कंट्री यू आर लिविंग इन, द सर्टिफिकेशंस यू हैव, और काफ़ी सारे चीज़ है जिस पर डिपेंड करते हैं ये चीज़। और मैं इसका आंसर इस वीडियो में नहीं दूंगा, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, जिसमें मैं इसको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा और एक आइडिया दे दूंगा कि एवरेज सैलरी कितना रेंज करता है इन डिफरेंट कंट्रीज़, तो एक काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब काफ़ी लोग का क्वेश्चन ये आता है कि वॉट इज़ द बेस्ट लैपटॉप और PC फॉर लर्निंग हैकिंग। तो मैंने ऑलरेडी ये आंसर कर चुका है कि यू नीड अ लैपटॉप और PC विच हैज़ मिनिमम i5 प्रोसेसर और अ राइजन 5 प्रोसेसर एंड मिनिमम 8 GB ऑफ रैम। अब क्वेश्चन है कि भाई 8 GB रैम क्यों? क्योंकि मिनिमम यू नीड 8 GB ऑफ रैम क्योंकि आप वर्चुअल मशीन्स रन करोगे अपने लैपटॉप या PC पे, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करोगे अटैक्स, ना कि रियल टारगेट्स पे, इसलिए आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रैम लगता है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक लिस्ट बनाऊंगा लैपटॉप्स का विद इन अ बजट रेंज जो आप बाई कर सकते हो फॉर लर्निंग एथिकल हैकिंग, तो ये एक सेपरेट वीडियो में होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चीज़। एक और क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आई डोंट हैव मनी टू बाई अ लैपटॉप और PC, कैन आई लर्न हैकिंग। सो द आंसर इज़ येस, यू कैन लर्न समथिंग बट नॉट एवरीथिंग, बिकॉज मिनिमम यू नीड अ लैपटॉप या PC टू लर्न हैकिंग, दैट इज़ द मिनिमम, यू नीड अ मिनिमम सिस्टम टू लर्न। तो मेरा ये ओपिनियन है कि आपको मिनिमम एक लैपटॉप या PC का रिक्वायरमेंट होता है टू लर्न हैकिंग प्रॉपरली, यू नीड अ डिसेंट सिस्टम टू रन थिंग्स, बट इफ़ यू आर ऑन अ टाइट बजट यू कैन गो फॉर अ रिफर्बिश्ड लैपटॉप जो कि ऑनलाइन मिल जाता है विथ वारंटी अराउंड हाफ प्राइस में और काफ़ी अच्छा है, और यू कैन मे बी बाई अ रास्पबेरी पाई। अब ये टॉपिक में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टेलिंग अबाउट हाउ टू लर्न हैकिंग इफ़ यू हैव नो मनी टू बाई अ लैपटॉप और PC, तो ये काफ़ी लोग का क्वेश्चन आया था, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो होगा, बट आंसर अभी भी सेम है कि यू नीड अ मिनिमम लैपटॉप और PC टू लर्न हैकिंग। तो आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट अ कंपनी कॉल्ड ट्राइडेंट सिक्योरिटी, ये मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड ने स्टार्ट किया है जो एक खुद पेनिट्रेशन टेस्टर है और काफ़ी अच्छा कंपनी है, इट्स अ स्टार्टअप, और ये काफ़ी सारे ब्लॉग्स लिखते हैं अपने वेबसाइट पे जो कि काफ़ी अच्छे और हेल्पफुल है। वन सच ब्लॉग इज़ अबाउट OSINT जो काफ़ी अच्छा है, तो इफ़ यू डोंट नो वॉट OSINT इज़ गो एंड चेक आउट द ब्लॉग, मैं आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ट्राइडेंट सिक्योरिटी का, गो एंड चेक इट आउट। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई कितना टाइम दूँ मैं, दिन में कितना घंटा पढ़ना पड़ता है टू बिकम अ हैकर, तो आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि आप जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो उतना अच्छा है, बट आपको स्ट्रेस आउट नहीं करना है, ट्राई करो रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ नया सीखने का और अपने नॉलेज को कल से ज़्यादा इम्प्रूव करने का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा सर्टिफिकेशन मुझे करना चाहिए। अब पहला चीज़ ये है कि सर्टिफिकेशन इज़ ओनली नीडेड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन साइबर सिक्योरिटी। पहला चीज़ है डोंट गो फॉर CEH, क्योंकि अब CEH का वैल्यू नहीं है। व्हेन इट कम्स टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग, OSCP इज़ द डिमांडेड सर्टिफिकेशन, बाकी कुछ और भी अच्छे सर्टिफिकेशंस है लाइक EJPT वगैरह, बहुत सारे ईलर्न सिक्योरिटी के थ्रू भी सर्टिफिकेशन है, और सर्टिफिकेशन का मैं प्लान कर रहा हूँ एक कम्प्लीट वीडियो बनाऊँगा अबाउट ऑल सर्टिफिकेशन, रेड टीम ब्लू टीम क्या डिमांडेड है, क्या प्राइस रेंजेस है और क्या क्या रिकमेंडेड है और क्या सर्टिफिकेशंस आपको अवॉइड करना चाहिए, तो ये एक सेपरेट वीडियो होगा, सारे सर्टिफिकेशंस मैं कवर करूँगा, सो प्लीज़ जस्ट गिव मी सम टाइम, काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं अभी, और अभी तक मैंने बहुत कम ही आंसर किया क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है लोग के, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड
कि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें काफ़ी हेल्प लगता है थोड़ा कि कोई गाइड कर दे या कोई कुछ बता दे, और मैं भी वो स्टेज से होके गया हूँ। तो आई विल मेक मोर सच वीडियोज़ ऑन एडवाइजिंग एंड आंसरिंग योर क्वेश्चंस, जो कि लोग का काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अच्छा लगा वीडियो तो भाई फटाफट लाइक करके जाओ, अगर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाता हूँ। और हमारे एक डिस्कॉर्ड ग्रुप बन चुका है जिसमें काफ़ी सारे हैकर्स हैं, और इफ़ यू नीड एनी हेल्प एडवाइस और इफ़ यू नीड आंसर टू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क देयर। तो गो टू द डिस्कॉर्ड चैनल, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज्वाइन आर डिस्कॉर्ड चैनल ज़ियोस आर्मी वेरी क्विकली, बहुत अच्छा चैनल है, लोग एक दूसरे का हेल्प भी करते हैं, ऑलरेडी 700 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर और भी कोई क्वेश्चन है, होना भी चाहिए बहुत सारे क्वेश्चन और, तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आंसर करूँगा सारे क्वेश्चंस का। और मैं प्लान कर रहा हूँ ऐसे एक पार्ट सीरीज़ में बना दूँ आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस इन साइबर सिक्योरिटी। तो वीडियो अच्छा लगा तो भाई फटाफट लाइक कर दो, लाइक करके जाना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम साइनिंग आउट ज़ोस।